मैं छोटा बड़ा बेचारा, छोटा वो बड़ा सेम मैचिंग करा के पढ़ता की तो गणेश जी यहाँ रख दिए क्या है? ये मोटे कन्नू भाई साहब है। रोटी पूरा सही है, रोज गाय आजा मारा उठा ना मिलती गौ माता याद, रोज रोज आजा सुबह सुबह मारा नाती कर दूँ। तो गाइस आज बने क्या, मेदू वड़ा और दही सो लेकर आऊँ, ये बच्चे खा लेंगे। तो गाइज आज बने हैं मेदू वड़े और ये देखिए दही के साथ, मेरे को तो ये सोच से ही अच्छे लगते हैं, बट बच्चों के लिए दही ले आई थी मम्मी। दही वाली तो इनकी खत्म हो गई, हमने खा के दही बची, दही मन्नू खवान लग रही है। कौन प्रियंश को वाली दिस्ते नोनो पे सुना आ गया स्वाद बार 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 नोनो आगे मेदू वड़ा खा लिया, दही खा लिया है। चलो देखिए भी नहीं रे फोड़ेंगे ये पटाके पटाके, धूप हो रही है यहाँ नोनू का निकलना रहा देखे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग, और व्लॉग स्टार्ट हो गया है, टाइम हो गया 10:30। बस नाना धोना किया और आज काफ़ी दिन बाद मैंने सूट डाला, और ये वाला सूट मेरा और मम्मी का दोनों का सेम है, और आज मिलवाती मम्मी और भाभी से दोनों से है ना, तो बच्चों भी नहा धो लिए दोनों के दोनों, पता नहीं शायद कोई गिर गया भाई, इतना परेशान कर रखा इन बच्चों ने, आते इतनी मस्ती चालू है, हेयर वॉश किया आज मैंने, तो कॉम नहीं किया अभी, कॉम करूँगी है ना। तो बस व्लॉग स्टार्ट हो गया, और ये रूम है मेरे पापा का रूम, तो क्या हम लोगों क्या बैठक बोलते हैं, ड्राइंग रूम कुछ भी बोलो, ये वाला पापा का है। तो बस दिखाती हूँ अभी क्या होता है, आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे मम्मी ने मेदू वड़े, और भाई क्या टेस्ट था उनका, एक नंबर बना रखे थे सच में, मुझे एक ही नहीं था मम्मी इतने अच्छे बना लेगी। और आज लंच में बन रहा है क्या, करेले की सब्जी और रोटी लस्सी, तो बस वही बताना था, और सूट डाल लिया मैंने। हाँ तो गाइस मैं जा रही हूँ सूट सिलाने के लिए, मैं लेके आई थी पापड़ से, मैं सोच रही हूँ सिलने डाल दूँ, मैं यहीं सिलवाती हूँ सारे सूट, तो फटाफट ट्रॉल के साथ जाऊँगी बाइक पर, ये डाल के आ जाऊँगी है ना। सूट है सारे जो मैं लेके आई थी बापोड़ा से, तो फिर मैं इसको डाल दूंगी सिलने के लिए, तो सिल जाएंगे जब तक मैं जाऊंगी। चल ब्रो चल फटाफट निकाल ले, नहीं दोनों आगे ना मुश्किल हो जाएगी। खाले खाना करेले की सब्जी, मैं तो ना अचार ले गई हूँ, इनकी मिर्ची कम पाओगी। क्या पी रहे बेबू, जूझ पाती करो नोनू पार्टी, यश कर आधा पाती करेंगे, ऊपर पूरा गिर जाएगा ये, उतार देख तू पकड़ेगी ना उसको, वो गिर जाएगा फिर नीचे वाला ही ले ले बेटा, ऊपर का रहने दे। हे गाइस हो गई है शाम और टाइम हो गया 6:10, आज तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, दिन में भी सो गई थी, और कुछ बच्चों ने मोबाइल इतना लिया आज मेरे को, हम मेरे हाथ में ही नहीं दिया, तो मम्मी देख रही है व्लॉग, और मम्मी तो बहुत ज़्यादा व्लॉग देखती है भाई, किसी किसी के मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है व्लॉगिंग देखना, तो मैं हूँ मम्मी के रूम में। फोटो देखिए, ये मेरे भाई की शादी में बनवाई थी मैंने, संगीत के दिन पहनी थी ये वाली पोशाक, और ये है भाई की शादी की, तो दिखाती हूँ आपको मेरी मम्मी और भाभी, सबसे मिलाती हूँ दोनों से आज, बाकी तो कोई है नहीं, तो कोई है नहीं ज़्यादा, तो मिलवाती हूँ मम्मी से और भाभी से, भाभी लगी है किचन में काम करने में और मम्मी है वहाँ, तो जाऊंगी मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प करा दूंगी, और ऊपर देख के आऊँगी, जो ऊपर नया घर बना था पर मेरे को मैंने देखा ही नहीं, कल तो मैं आते ही सो गई थी, और दिन में गर्मी इतनी हो गई थी मैं ऊपर चढ़ ही नहीं पाई, तो अब देख के आएंगे ऊपर कैसा क्या सीन है ना, तो देखते चलते हैं। आज मैं हो गई हूँ फ्रेश एकदम सो के, जितनी नींद पूरी करनी थी मैंने अपनी पूरी नींद करी है एकदम, पर आज मैंने चूड़ी वूड़ी सब निकाल दी, क्योंकि कई दिन हो गए थे पहने पहने, हाथ में ना थोड़ा सा ऐसे ही अजीब सा लग रहा था, तो बस मैंने एक हाथ में कड़ा वापस से अगेन वही डाल लिया, और एक हाथ में ये, और मार्केट भी जाना है मेरे को, सूट भी डाल लिया आज मैं सिलने, मैंने कहते हैं जाऊँगी तब तक मेरे सूट सिल जाएंगे, तो बस वही था मार्केट, देखते कब जाया जाएगा, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चों को ले जा नहीं सकती, तो मिलाती हूँ मेरी मम्मी से। द गेम चल रहा है क्या, कोई नहीं वापस बन जाएगा बेबू, और ये वाला फोटो पिंक साड़ी वाला कितना पुराना मेरे कॉलेज टाइम का फोटो, क्या हुआ देख कैसे लड़ रहे दोनों के दोनों, दे दे यशवी दे दे, बता गांव में 6:30 बजे तैयारी हो जा, मारता 8 बजे से तैयारी होगा जाके, अजय शेखर कितनी रोटी खिलाओगी, राइस चाहिए मुझे, यूँ क्या बना रखा इसमें ड्राई फ्रूट कूट रखे की, अच्छा मैं सोची तिलक के, वो दिखे इसमें, ये वो बादाम काजू अखरोट, अच्छा मिश्री, अच्छा। सो गाइस मिलिए मेरी भाभी से, लग गई किचन में बेचारी शाम को ही, तो आज बन रहे दाल राइस, यशु को चाहिए थे दाल राइस, हेलो कर दो भाई मेरे व्लॉग में,
छोटी सी फैमिली है, भाई भाभी मम्मी और पापा, बाकी हम तीन ऐड हो ही गए हैं। सो गाइज ये वाला देखिए, इसका मैं भी लूँगी लिंक, ये मेरे को इतना अच्छा लगा, इसमें ना पानी जाता टोकरे में नीचे ना कुछ, ये देखिए इसमें यहाँ से साइड से पानी निकल जाता है, और ये वाला ना स्लैब गिल्ली होती ना कुछ, ये तो मैंने बहुत ही अच्छा लगा, इसका मैं भी मंगवाऊँगी इसका। और ये किचन, और ये वाला भाभी का रूम, भाभी क्या मैं तो नाम ही लेती हूँ, प्रियांशु वैसे तो छोटी है बट मैं बोल देती हूँ। ये वाला घड़ी तो बड़ी फैशनेबल ला रखी वाली, कल तो मैंने घड़ी ना देखा ऊपर का कैसा बन गया कैसा नहीं, मैंने कहा आप चढ़ूंगी ऊपर आराम से, धूप कितनी तेज हो रही है ऊपर, आना मन ही ना हो रहा बिल्कुल भी आगे कोई ऊपर। भाई अच्छा छोटी छोटी सी लगन लग गई है ना, अजीब लग रही है ना, कदे देखी को नहीं ऐसे बंद छत। हाँ आ जा ऊपर ऊपर है। अच्छा यही साइड बनी, ये पूरी रेडी है बस, इसमें किचन तो रेडी सही कह रही है पूरी, बल्कि ऊपर का अच्छा लगा ना क्या, बाथरूम तो पूरा रूम ही करा दिया है तो तुमने, सब हो गई है। हाँ ऊपर ना, तो सारा काम मेरा नू समझ में ना, वैसे ही कर दिया तो नहीं है भैया, ये तगड़े बनाए पूरा के बने की साइड है, मैं इनमें कंफ्यूज होती सारा ही ढक गया, तो अब है ना दोनों साइड का उरन का भी उरन का भी छोड़ दे, कभी कमरा बनाएंगे तब हो जाएगा, सो एक अच्छा ये रूम बन गया ऊपर, अब सही हो गया भाई, यू आके आप पे आ गया चढ़ के पेड़ पे, अच्छा ये बाहर की साइड खुला इस साइड है, हमें क्या बोला आपने? हाँ इस साइड से ये सही हो गया, खुला खुला हो गया ना पूरा। मम्मी आपने क्या बोला? सो गाइस ये वाला रूम हो गया यशवी का, है ना बेबू, यशवी बोल रही है ये वाला रूम मेरा है, वैसे तो मजा आ रहा है रहने में ऊपर ही। हाँ सही, और ये है आगे से व्यू, देखो गांव में तो गाइस मजा ही आ जाता आने में, इसमें तो कोई शक है ही नहीं है। और वो मंदिर मैं बहुत मानती हूँ मंदिर को, शिवजी भगवान जी का मंदिर, वैसे हर तरह का है बट शिवजी भगवान जी का है ज़्यादा, तो मैंने तो बहुत पूजा की है, मतलब व्रत पे है उस पर हम लोग इसी मंदिर में ही गए हैं। उस साइड वाला प्लॉट खाली पड़ा है तो क्या हुआ, वो आंटी का घर तुसु कर आया आगे बैठ गया, अब तू बंद कर दिया मैंने तब, बस यहाँ टाइल बीस जाती ना मजा आ जाता। अच्छा सोफा ऊपर आ गया टूटा उड़ा, देख चढ़ी आई ऊपर देख ले, हाँ ये ना पता थी बनी है नहीं, पूरा ही ढक गया इनका सोनू और का घर आ रहा है ना, देख ली अब टॉयलेट सारी देख ली, कदे था पीछे तो हम यहाँ तो भाग गया करते इस गेट से, है ना। तो आगे यहाँ पर सब लोग ऊपर, ये देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं यहाँ पे नोनू लिए थे 34,000 रुपया के। तो गाइस मिलिए मेरी फैमिली से, ये है मेरी माते, और माते तो इतने व्लॉग देखती है सबके, पता नहीं किस किस के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो जैसे मेरी मम्मी ने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं वैसे आप लोग भी कर लो। करने में क्या जाता है, ये पीछे भाभी फौजी साहब, तो मिलिए भाई फौजी साहब से, भाई तो क्या मैं तो नाम ही लेती हूँ दोनों का, लो मेरा नाम कर लो, ये मेरी माते, हेलो हेलो गाइस, वो कहते चाय पी लो। तो आज का व्लॉग जाएगा पूरा मायके का, 10-15 दिन यहीं के देखने को मिलेंगे, ऊपर मजा आ गया क्या, शाम ना अगर मौसम ठंडा हो ना इस रूम में तो आकर मजा आता फिर तो है, हाँ इसने सही बना रखी सही क्या, जितना बारिश आ ना तो पानी पीछे ना जाए इस तरह, अच्छा इस पट्टी तक हो जाए, अभी तो लाइट क्या दिखेगी, किराया ठंड जो ना है
सही लग रही है वैसे, क्यों उठानी? भाई बाथरूम तो सोच में तगड़ा बना दिया, नीचा तो बड़ा सारा सब कुछ आ जाएगा इसी में अंदर, आराम से। अच्छा बाप पूरा सोया करता के? दो दिन सोया, होगी गर्मी और आप लोग भी अपनी छत पे किसी में पानी जरूर रखिएगा, बर्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और गर्मी तो बहुत है। पक्षी अभी थोड़ी नाएंगे, और जब तो दूर जाएगी तब आएंगे। बहम हो जाएगा इनका, ज्यादा दिखा धूल मिट्टी। स्कॉर्पियो में फिर वाइट पर, वाइट फिर थोड़ा है पहले ही। तुम स्कॉर्पियो लोगे क्या? हाँ फिर गेट में ना आओ तो, यही मुश्किल से निकला तारी। मुश्किल तो क्यों पड़ी, आप निकल जाए जब भी। नहीं बेटा, नोनो की चीज देख कैसे पड़ी। तो मिलिए मेरे पापा से, ये है मेरे पापा। पापा भी आर्मी में ही थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, डीएससी में भी गए थे, दोबारा रिटायर हो गए थे, तो अभी पापा आते नहीं आगे वीडियो में। तो ये देखिए मैं ले ली थोड़ी सी, ले की वो तो दे, तो उसके में गैस कर, ये तोड़ दिया इसका एक काम। हां वो पत्थर है ना, पंखा चला दे। ऊपर वाली किचन सही लगी मन, जो मोटा मोटा। किसकी फोटो नोनो इसमें? मामा की फोटो नोनो इसमें? मामा की किसकी है? मामा कहाँ है इसमें? मामा कहाँ है? कहाँ है? मामा है कोई। और क्या मामा है, कौन है ये? मामा देख कैसी पकड़े रहे दोनों, देखिए। हाँ कौन है यशवी इसमें? सिलेंडर खत्म हो गया ना, अंजुत कुर्ती ले पाई है, चार दायरा कटर हो। पापा पर चला नजर, क्या हुआ नानू? सिटी आ गई, जोर लगा, खुलेगा बेटा, जोर लगा। सही है, इसमें तो ना ही खुला तो उधर से अब छोरा का इम्तिहान मत ले बार बार। अभी तेरे धर भी देगा छोरा, गाल दे छोरा की। रख दी थी टेबल पे, घूम रहेगी। नो बोले इस वाली पे, चलो बाइक पे। हाँ। नहीं बनेगी, देखी यश कैसे बैठी है। टेडी वीडियो बेबू पकड़ लिया, अच्छे से पकड़ लियो, अच्छे से पकड़ लियो टाइट। डर भी लगा भाई, धीरे धीरे चलाइए बिल्कुल ही। बाय नानी। सो गाइज यहाँ लग रहे हैं पपीते, ये देखिए कितने सारे पपीते लग रहे हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं आपको? एकदम जूम करके दिखाती हूँ मैं, बहुत सारे पपीते लग रहे हैं भाई इसमें तो। और ये सारे पपीते के ही पेड़ है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे सारे सब पपीते के पेड़ है। आ गई है मम्मी, ये देखिए मम्मी शायद कचरा डाल के आई हैं यहाँ पे। प्रियांशु बर्तन साफ कर रही थी तो मम्मी कचरा फेंकने आई हैं, तो मम्मी वही बोल रही बार बार मेरे को क्यों दिखा रही है। मैं बोल रही कि मैं आपको ही दिखाऊंगी, तो बाहर टाइम पास कर रहे थे बस गली में, ऐसे ही माँ बेटी दोनों के दोनों क्या ही करेंगे होंगे। नीते याद आओ, जींस पैर का ही माना देख ले लास्ट में। यशी भी उतरेगी, ओ उतर तो ली, आ जा बेबा, उतरो 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 उतरो। ये आ गया यहाँ पे पापा का खाना, ये देखिए पापा खीरे भी काट रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, साथ के साथ ही पापा का रूम लगी है तो वहीं रहते हैं वो। ये पार्ट जाएगी मच्छरदानी, फिर नाना दान पिटेंगे, देख ले नानू तेरे को। सो गाइज ये था आज का व्लॉग वीडियो, तो कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताना। और मैं हूँ मेरी गली में, ये देखिए। तो बस यहाँ का यही मजा है कि कहीं पे भी निकल लो, ऊपर नीचे छत पे गली में कहीं पे भी आगे पीछे। तो फ्लैट में तो क्या है कि अंदर ही अंदर रहना पड़ता है आप लोगों को, सब कुछ उसी में ही, बट यहाँ पे आके थोड़ा सा खुला खुला मिल जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने ये वीडियो इन्जॉय की होगी। अगर आपने वीडियो इन्जॉय किया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम हो गया है 8:30, तो बस बच्चों को खाना खिलाऊंगी। और आज इनके खाना बनवाया मैंने दाल राइस बच्चों के लिए। तो बस यही था आज का व्लॉग, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को।
सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लीजिए मदद दी, बाय बाय।